बुद्धिहीन तनु जानी के, सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्यादि हूँ मोहि, अहरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्हु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी मनु महतारी, मनु तनहारी अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुई में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हनुमान चालीसा हमें कितनी बार पढ़नी चाहिए और सुंदरकांड का पाठ हमें कैसे करनी चाहिए, हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी चाहिए, वो भी मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि हनुमान चालीसा जो है ऐसा मतलब माना जाता है ना कि जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, हनुमान जी का नाम लिया जाता है, हम पढ़ते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो रोग दुख कष्ट भूत पिशाच सबको दूर करने वाला एक ही निवारण है, हनुमान जी की वंदना करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड का पाठ करना। सुंदरकांड का पाठ करने से केवल हनुमान जी ही नहीं प्रसन्न होते हैं, साथ में श्री राम भी प्रसन्न होते हैं, जो भगवान श्री राम है, माता सीता भी प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए जिस घर में जिस महल में सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, क्योंकि उसमें केवल हनुमान जी का ही बखान दिया हुआ है, तो आपको जरूर अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करनी चाहिए। और हनुमान चालीसा जो है ना, पूजा करने के दौरान ही आपको याद हो जानी चाहिए। जैसे हम पूजा भी कर रहे हैं और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हम पढ़ते भी जा रहे हैं, तो आपको याद हो जानी चाहिए। अगर नहीं याद है तो सबसे पहले हमें हनुमान चालीसा की पाठ कर लेनी चाहिए और उसके आगे आपको सुंदर कांड पढ़नी चाहिए। ऐसे तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको प्रतिदिन करनी चाहिए, समय है तो साथ में सुंदरकांड का भी पाठ कीजिए, दो पेज ही कीजिए लेकिन कीजिए जरूर, मंगलवार और शनिवार को जरूर करें। इस कलयुग में ना एक ही निवारण है, अगर हनुमान जी का हम नाम लेते हैं तो। भगवान से आप कुछ चाहते हैं, कुछ विनती, कुछ मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो देखिए मन्नत कीजिए कि आपको क्या करनी है कि हनुमान जी की जो चालीसा है उस पुस्तक को पतली सी आती है, बहुत समय नहीं लगता, आप मंगलवार को और शनिवार को 11 पाठ आपको करनी चाहिए, उस पुस्तक को ना 11 बार पढ़ जाइए, क्योंकि बहुत कम समय लगता है, छोटी सी पुस्तक है और पतली सी है, और जिसको याद है वो तो फटाफट पढ़ लेंगे। तो 11 बार हमें हनुमान जी का अगर आप पाठ करते हैं ना, तो जो भी मनोकामना आपके मन में, आप एक बार करके देखिएगा, आजमा के देखिएगा, फिर आप बिलीव कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा। अगर मैं बोलूँ तो कहीं आप विश्वास नहीं करेंगे, तो आप चाहे तो 11 बार का मन्नत कर सकते हैं। 21 बार भी लोग पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, लेकिन 11 बार ही नियम है। तो आप शनिवार या मंगलवार या सप्ताह में केवल एक दिन ही आप करके देखिए, बहुत अधिक दिन आपको नहीं करना पड़ेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो चलिए अब पाठ करके मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हमारे घर का सुंदरकांड की पुस्तक है, जो कि मैं प्रतिदिन पढ़ती हूँ अपने घर में। आप लोग पूछते हैं कहाँ मिलता है दीदी, तो ये आप किसी भी पूजा के दुकान से भी ले सकते हैं या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। पतली सी किताब है, बहुत सुंदर है ये पुस्तक, और प्रतिदिन आप लोग पढ़िएगा। तो देखिए, मैं पढ़ के तो पिछले वीडियो में ऐसे बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोग कहते हैं दीदी हमसे नहीं हो रहा है, तो यहाँ से पढ़ना है हमें।
यहाँ शांतम शाश्वतम प्रेम अग्नम यहाँ से पढ़नी है, तो यही पढ़ने में थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल हो रही है, आप लोग कमेंट भी करते हैं इसका उच्चारण थोड़ा सा अलग है, ऐसे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे ना मिलाकर तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ से तो हिंदी में दिया है, कहाँ संस्कृत में दिया है, आप लोग बोल रहे हैं दीदी संस्कृत में दिया है, और जो मोटी वाली पुस्तक है रामचरित मानस की उसमें अर्थ दिया है, इसका जो दोहा चौपाई है उसके अर्थ भी दिए हैं, लेकिन इसमें तो कहीं कुछ नहीं दिया है, ऐसे नॉर्मल ये सुंदरकांड की पुस्तक है, साधारण सी आप आराम से पढ़ सकते हैं। और संपुट कैसे लगानी है तो आपको एक बार फिर से मैं हनुमान चालीसा कैसे पढ़ते हैं उससे पहले थोड़ा सा आपको बता देना चाह रही हूँ। तो देखिए सिंधु तीरेक भूधर सुंदर कौतुक कूदि चढ़ौ ताऊ पर बार बार रघुवीर संभारी तर क्यों पवन तनय बल भारी जे गिरि चरण दे हनुमंता चले सोगा पताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चलेऊ हनुमाना जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैं नाक हो ही श्रम हारी। तो यहाँ हमें दोहा आया, तो यहाँ संपुट कैसे लगानी है तो वो भी बता देती हूँ। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य किन्न प्रणाम राम काजु किन्हों बिना मोहि कहाँ विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। ये भी बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जब आप इस प्रकार से अपने घर में पढ़िएगा ना तो दो ही पेज पढ़िए लेकिन श्रद्धा के साथ और दिल से पढ़िए, आप देख लीजिएगा आपके घर में बढ़ोतरी छोड़ के ना हानि और नुकसान कुछ भी नहीं हो सकता। जहाँ भगवान प्रभु का नाम लिया जाता है, अगर हम सुंदर कांड पढ़ते हैं तो हनुमान जी ऐसा नहीं कि खुश होते हैं, साथ में श्री रामचंद्र जी भी प्रसन्न होते हैं और माता सीता भी होती हैं अगर हम सुंदर कांड का पाठ अपने घर में प्रतिदिन करें तो। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा ये भी बता दी, तो देखिए मैं यहाँ तक पढ़ चुकी हूँ और इसी में मैं हनुमान चालीसा की ये छोटी सी पुस्तक है ये मैं रखती हूँ, और ऐसे तो मुझे याद है लेकिन पहचान के लिए रखती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चिन्ह लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ से लिखा है श्री हनुमान चालीसा। आप लोग पूछते हैं ना कि दीदी ये हनुमान चालीसा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप किसी भी पूजा के दुकान से ले सकते हैं और इसको 11 बार पढ़ने से हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। केवल एक बार भी पढ़ सकते हैं, प्रतिदिन आपको याद हो जाएगा एकदम मुँह जवानी आप पढ़ सकते हैं। तो कैसे पढ़नी है तो चलिए शुरू करते हैं श्री हनुमान चालीसा। ठीक है, ये दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि अहरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ से पढ़ेंगे श्री हनुमान चालीसा चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिन्हु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज कर बेको आतुर प्रभु चरित्र सुन बे को रसिया राम लखन सीता मनु बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिउर लाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत सम भाई
सहस बदन तुमरो जस गावे। तो देखिए इस प्रकार से आपको पूरा हनुमान चालीसा पढ़ जानी है। एकदम आसानी से हनुमान चालीसा पढ़ के भी आप सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, या आप सुंदर कांड पढ़ने के बाद भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यहाँ से संकट मोचन हनुमान अष्टक है। बाल समय रवि भक्षि लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात नटारो। देव ने आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस प्रकार से आपको ये पढ़नी है। हनुमान चालीसा यहाँ समाप्त होगा। तो देखिए हो सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तन संकट हरना मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। इति श्री हनुमान चालीसा संपूर्ण यहाँ हो जा रहा है। ये दोहा है तो ये दोहा आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर स्लो पढ़िएगा, धीरे से पढ़िएगा, तो दोनों चीज़ अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। दो ही पेज पढ़िए और दाहिने पेज पे छोड़नी है, लेकिन हनुमान चालीसा आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं। अगर हनुमान अष्टक आपको मन हो तो ये भी पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ा जाता है। हम लोगों को तो ये याद हो गया है, मतलब पढ़ते पढ़ते पुस्तक की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। देखिए मैं पूरा पढ़ के आपको सुना दी, समझा दी कि कैसे पढ़नी है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कर सकती हैं, एक बार भी कर सकती हैं, या मंगलवार और शनिवार को 11 बार कर सकती हैं। और किसी बात के लिए आपको भगवान से मनोकामना अपना पूर्ण चाहती हैं तो पढ़िएगा। और ये सुंदर कांड की जो कि मैं पढ़ के आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अब मैं बंद करती हूँ, और हम यहाँ पर मैं पढ़ी थी फिर यहाँ मैं बंद करके रख दूँगी। अगर आप मान लीजिए कि भूल जाते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, मान लीजिए ये सुंदर कांड को, तो इस पुस्तक को फिर क्या कीजिएगा, इधर उधर उल्टा फुल्टा पढ़ने से अच्छा है कि आप फिर से प्रारंभ कर दीजिएगा, फिर से एक बार शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए बंद करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तो यही तक का था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।